वक्त हो गया है खबरों का। केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन पहले 19 नवंबर गुरु पर्व के दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद किसान आंदोलन की वजह से बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई गई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले संसद सत्र में कानून को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वही एक्सपर्ट्स के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होना है। संविधान एक्सपर्ट विराग गुप्ता के मुताबिक किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी उस तरह ही होगी जिस तरह से कोई नया कानून वापस बनाया जाता है। सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल को पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएगा। वही केंद्र सरकार की ओर से क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की चर्चा है। आज की कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। इन खबरों के बाद ज्यादातर क्रिप्टो करेंसियों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह 10 बजे बिटकॉइन 17% से ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। क्रिप्टो करेंसी के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाले विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी है। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। ये थी हमारी आज की खबर। ऐसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।